अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट होम एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. जी, टुडे वी हैव आर इंग्लिश क्लास, इंग्लिश रिवीजन क्लास. डे इज़ वेनसडे एंड डेट इज़ 13/1/2021. ठीक है, Now students, what we are going to do? We are going to revise use of was and were. We have revised the using of is or are before our winter vacations. ठीक है, मैंने आपको revise करवाया था. अब हम was और were का भी करेंगे revision. बिल्कुल जैसे हमने is और are का किया था इसी तरीके से करेंगे. Use of was और were हम किस तरह से करते हैं, सिंगुलर प्लूरल को ही देखते हुए. ठीक है, सिंगुलर्स के लिए क्या वर्ड आता है, was, और प्लूरल्स के लिए क्या आता है, were. बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंगुलर्स के लिए is आता था और प्लूरल्स के लिए are आता था. ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर हम लिखेंगे पेंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लिखेंगे पेंसिल तो पेंसिल इज अ सिंगुलर और प्लूरल. यस, टेल मी फास्ट, पेंसिल इज अ सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स वन. ठीक है, सिंगुलर मीन वन थिंग. ठीक है, सो वी यूज हेयर इज और आर, वॉज या वर. ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम इज लगाएंगे, और अगर हम गेस्ट रहे हैं तो हम वॉज लगाएंगे. ठीक है, वॉज और वर का सबसे बेहतरीन पहचान क्या होती है कि हमने यूज करना है वॉज को और इस को सिंगुलर्स में, और वर को और आर को प्लूरल्स में. ठीक है, ये क्लियर है. अब आपको बताना है कि कहाँ वर लगना है और कहाँ वॉज लगना है. तो फिलहाल हमने जो है वो टेंसेस नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमने टेंसेस नहीं पढ़े हैं, ज़माने नहीं पढ़े हैं कि प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, और पास्ट का. वॉज और वर जो है वैसे लगता है पास्ट में, यानी कि टुमारो जो गुजर गया है वक्त, उसमें लगता है वॉज और वर. लेकिन क्योंकि अभी हम टेंसेस पे नहीं आए हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं टेंसेस, तो हम आपको इज और आर का अलग एक एक्टिविटी मिलेगी आपको, और वॉज और वर की बिल्कुल अलग एक्टिविटी मिलेगी. तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि वॉज आपने कहाँ लगाना है, यानी कि सिंगुलर में, और वर आपको लगाना है प्लूरल्स में. बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको इज यूज़ करना है सिंगुलर में और आर यूज करना है आपको प्लूरल्स पे. ठीक है, जैसे पेंसिल है तो दोनों इज और वॉज पेंसिल के लिए आएगा, और यहाँ पर ही अगर पेंसिल्स हो जाएगा, प्लूरल आ गया, तो क्या लगेगा यहाँ पे, आर और वर दोनों. ठीक है, तो आपको इस चीज का क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ आपका इज और वॉज आएगा और प्लूरल्स के साथ आपका आर और वर आएगा. इनकी एक्टिविटीज आपको बिल्कुल सेपरेट मिलेंगी कि यूज कीजिए वॉज और वर को, और एक अलग एक्टिविटी मिलेगी कि इज और आर को यूज कीजिए. तो इसके लिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी कि कहाँ इज लगेगा और कहाँ वॉज लगेगा. सही, सिर्फ इस चीज को क्लियर करिए कि सिंगुलर्स में इज और वॉज लगेगा और प्लूरल्स में वर और आर लगेगा. ये था हमारा वॉज और वर की और इज और आर की रिविजन. अब हम करेंगे अपनी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन. आपको याद होगा जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहला जो वर्क था हमारा वो ये था जो मैंने आप लोगों को पेस्टिंग करके भेजा था स्कूल से. ठीक है ना, तो इसी तरह की ये तो नहीं होंगी एग्जैक्टली, लेकिन कोई डिफरेंट पिक्चर होगी, और इसी तरह से आप लोगों को पिक्चर्स के साथ ये वर्ड बैंक दिया जाएगा. ये वर्ड बैंक आपने यूज करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना होगा. ठीक है, ये पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन होगी. लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, यू हैव टू लुक द पिक्चर वेरी केयरफुली. आपको पिक्चर को बहुत गौर से देखना होगा, और इसी के हिसाब से कुछ वर्ड्स दिए हुए होंगे. जैसे यहाँ पे आपको वर्ड बैंक दिया गया था,
और आपको उनके ब्लैंक्स को फिल करना होगा। ओके, ये होगी हमारी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। एक होगा हमने किया था गाइडेड राइटिंग, कैरेट के ऊपर किया था, वेजिटेबल्स पे, और फिर आपसे कहा था कि एक आप वेजिटेबल अपनी मर्जी का खुद से कीजिएगा, रिवाइज भी हो जाएगा आपका और वो आपका होमवर्क भी था। ठीक, इसी तरह से कोई भी एक वेजिटेबल, कैरेट नहीं होगी क्योंकि हम कैरेट पे कर चुके हैं, लेकिन इसी तरह से एक कोई वेजिटेबल आपको दी जाएगी और आपने जो है ये वर्ड्स आपको दिए जाएंगे वेब बना के, इस तरह से वेब्स में वर्ड्स दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 करके, और उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। जैसे कि दिस इज़ अ कैरेट, इट इज़ अ वेजिटेबल, इट्स कलर इज़, इट इज़ रेड इन कलर, इट हैज़ कोन शेप, इट ग्रोज अंडरग्राउंड, इट इज़ अ रिस्क फ्रॉम अल्लाह सुभाना व तआला। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप लोगों को ये हेल्प गाइड किया जाएगा, आपको ये गाइडेड वर्ड्स होंगे और इन वर्ड्स के थ्रू आपने सेंटेंस मेकिंग करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वेजिटेबल ही दी जाएगी आपको तो आपको ये आसानी हो जाएगी। अच्छा, और हमने क्या करना था, जी बिल्कुल, ये स्टोरी रीडिंग बिल्कुल नहीं आएगी। आप अपने सिलेबस में भी देखिएगा कि उसमें कोई स्टोरी के बारे में नहीं दिया गया, ये सिर्फ हमारा रीडिंग के लिए था। ठीक है, ये आपका पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अच्छा, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में हमने यहाँ पर भी किया था, सही, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। प्रोनाउंस की भी एक्टिव हम कर चुके हैं रिवीजन, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की काफ़ी हद तक रिवीजन हो चुकी होगी, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो पेरेंट्स आप काइंडली फ़ोन करके, कॉल करके बात कर सकते हैं, और कोई अगर कोई भी परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।